आप सभी अनुभवी नागरिक को मेरा नमन है. अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड फॉर योर लव. आज अनुभव फाउंडेशन के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि अनुभव फाउंडेशन भंडारा करा रहा है. भंडारा तो करा रहा है लेकिन सीनियर सिटीज़न की हेल्प से करा रहा है. और हम लोग ब्लैंकेट्स बांटेंगे. सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने सीनियर सिटीज़न से, अपने अनुभवी नागरिकों से मिलवाना चाहूँगी. उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि हम लोग की वीडियोज़ में थोड़ी सी कभी आपको ब्लर मिलेंगी पिक्चर्स, कभी वॉइस क्रैक करती है, क्योंकि हम लोग न्यू हैं यूट्यूब में. तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि एडिट कैसे करते हैं और अपने फीडबैक्स देते रहिए. आइए पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारी भंडारे की प्रिपरेशन क्या चल रही है. ये देखिए, ये हमारी भंडारे की प्रिपरेशन चल रही है. पूड़ी बन रही है, छोले बन रहे हैं. हेलो बोलो भैया. ये हमारी अनुभवी टीम है जो पूड़ी और छोले बना रहे हैं. और हम आप लोग को थैंक यू भी बोलेंगे कि हम लोग के साथ हर एक दिन न्यू मेंबर्स जुड़ रहे हैं. आप लोग की हमें ब्लेसिंग्स मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके लिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया कहते हैं. हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़ते रहिए. आइए हम आपको अपने अनुभवी मेंबर्स से मिलवाते हैं, जो कि बहुत ठंड में आके हमारे सपोर्ट के लिए बैठे हैं. जी अंकल, आप कुछ बताएंगे अनुभवी. ये सीपी सिंह अंकल हैं. अंकल आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे. मैं प्रोफेसर सीपी सिंह, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ यूनिवर्सिटी. आप अनुभव फाउंडेशन द्वारा जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं ये बड़ा सराहनीय है. गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई. जो दूसरों का उपकार करते हैं वही मनुष्य हैं. अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो गरीबों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, असहाय लोगों के लिए काम करते हैं वही मनुष्य हैं. हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि अपने परिवार के पालन के साथ साथ समाज में जो वीकर सेक्शन है, जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूर काम करें. मेरा ये मानना है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ये चाहिए कि खाली पेंशन न खाएं, उनको जो है रोज़ जो है घर से बाहर निकल करके अनुभव जैसे फाउंडेशन के साथ कार्य करना चाहिए. इससे ये लगे कि घर में तो पहले लोग वेट करते थे जब जाप में थे, इधर जो है गरीब असहाय बच्चों भी जो है ये उनको लगे कि अंकल आ रहे होंगे, कुछ हमारी मदद करेंगे. आप सब ने हमको बुलाया, धन्यवाद जी. थैंक यू अंकल. जस्ट वेव योर हैंड. आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैं ओंकार नाथ वाजपेयी, सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग में. वर्तमान समय में इस तरह के NGO का बड़ा महत्व है, और इस तरह के NGO से ये प्रूफ होता है कि हम लोगों को भी, ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि समाज के हर तबके को आप अपनी क्षमता भर मदद करें. और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह का ये अनुभव जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, छोटे बच्चों को और जो कमज़ोर लोगों को है उनको, उनका उनके लिए व्यवस्था कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है. और हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, अपनी सामर्थ्य भर हम लोग भी इस संस्था के साथ जुड़ेंगे और अच्छा लगेगा कि ये संस्था आगे डेवलप करती चली जाए. हमारी शुभकामनाएं इस संस्था के कार्य और इस संस्था के लोगों के प्रति हैं. धन्यवाद जी. थैंक यू अंकल. चलो, हेलो, मैं कांति वाजपेयी. मुझे ये संस्था का कार्य देख के बहुत अच्छा लगा. हम सीनियर सिटीजन होने के नाते ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम इस तरह के होते रहें और बच्चों को हम लोग सहयोग करते रहें, हम अपने अनुभव उनको बताते रहें, और हमें अच्छा लगेगा कि इस तरह के कार्यक्रम में हम शामिल होते रहें और लोगों के सहयोग करते रहें. धन्यवाद.
मैं मिसेज वाही हूँ, सेक्टर 2 में रहती हूँ। मैं वाही आंटी के नाम से सेक्टर 2 में काफ़ी फेमस हूँ। और हमारी ये लड़कियाँ, ये लोग जो मिलकर के अनुभव संस्थान चला रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य है कि इतनी छोटी उम्र में इसने इतना बड़ा नॉलेज हासिल किया कि हमें कुछ गरीबों के लिए करना चाहिए, बुजुर्गों के लिए करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जितना है, जो सक्षम है, जो सक्षम नहीं है वो बुजुर्ग भले ना करें, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से जो बुजुर्ग सक्षम है उनको इनकी मदद जरूर करना चाहिए। जब हम बड़े ही मदद करेंगे तभी बच्चे हमारे आगे बढ़ पाएंगे, और ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, ये देश के भविष्य हैं करने वाले, और ये आगे देश के भविष्य को सुधारेंगे, उन बच्चों को खाना कपड़ा देंगे, और हम बुजुर्गों के लिए इंटरटेनमेंट के काफ़ी कुछ जुड़ाएंगे जिसमें हम लोग भी मजे लेंगे। घर बैठे बैठे बोर होते हैं इनकी सराहने का। इस संस्था के लिए मेरी बहुत बड़ी शुभकामनाएं, मैं इन लोगों के साथ हैं। हमारी डॉली और वर्षा, ये दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, इस बार करें इनको सफलता काफ़ी दे। थैंक यू आंटी। ओके, हाँ बच्चों इधर देखो, हेलो बोलो सब लोग। और कुछ बोलोगे आप लोग? हाँ। क्या बोलो? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। अनुभव फाउंडेशन फाउंडेशन।